कुशीनगर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान भी ग्राम प्रधानों की समस्याओं को रखा और जब तक समस्याएं समाप्त न हो जाएं तब तक संघर्ष जारी रखने का भी आह्वान किया। संविधान की अनुच्छेद 40 में गांव को गणराज्य का दर्जा दिया है, यानी कि गांव एक पूर्ण रूप से संवैधानिक एक संस्था है जिसमें गांव के विकास को लेकर, आर्थिक लेकर सभी गांव के लोग गांव में बैठकर प्रधान के नेतृत्व में, सरपंच के नेतृत्व में गांव के फैसले लें। 1992-93 में संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत 29 अधिकार हिंदुस्तान में ग्राम पंचायतों को देने की बात की गई। अखिल भारतीय प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में एक मुहिम हम लोग चला रहे हैं जिसमें हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि हिंदुस्तान में संपूर्ण ग्राम स्वराज को लेकर गांव गणराज्य लागू करिए। जो 73वां संविधान संशोधन है इसको पूर्ण रूप से गांव में लागू करिए, पूरे भारतवर्ष में समान पंचायत राज व्यवस्था लागू करिए। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में प्रधानों के ऊपर जो जिले के अधिकारी कर्मचारी जो उनका उत्पीड़न कर रहे हैं उसको लेकर हम प्रदेश सरकार को भी आगाह करना चाहते हैं कि प्रधान ही आपकी सारी योजनाओं को असली जामा पहनाने में आपका सहयोग करता है। जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनको गांव तक लागू करने में आपका सहयोग प्रधान करता है, तो प्रधान को आप इस तरह से आप उसका उत्पीड़न ना करिए। प्रधान ने आपका सरकार बनाने में आपको पूरा सहयोग दिया, लिहाजा आप भी प्रधान के जो सम्मान है उसको सम्मान को आप इसको मिटाने का काम नहीं करिए। इसको जो संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है उस संवैधानिक दर्जा को आप बनाए रखिए। अरे माना जाता है कि गांव का जो विकास होता है जी प्रधान सबसे महत्वपूर्ण जरिया माना जाता है, कहीं ना कहीं प्रशासन या सरकार दबा रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गांव को जैसा कि मैंने बताया कि गांव को संविधान ने पूर्ण गणराज्य का दर्जा दिया है। गांव में जो विकास कार्य होने चाहिए वो गांव के लोगों के बीच में बैठकर तय होने चाहिए, ना कि लखनऊ में बैठकर जो सरकारें एक गांव को एजेंसी के रूप में, रिमोट के रूप में जो चला रही हैं। जिस तरह से लखनऊ में तय किया जाता है कि गांव में अमूमन कौन से विकास कार्य होने चाहिए कौन से नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। गाँव के लोगों को तय करना चाहिए कि गाँव में कौन कौन से विकास कार्य होते हैं। जितनी भी योजनाएँ जो गाँव में लागू होती हैं उनमें पूरा सहयोग गाँव के प्रधान का रहता, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी उन योजनाओं को लागू करवाने में कहीं ना कहीं प्रधान को बीच में उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ब्लॉक से लेकर जिले तक एक कमीशन का कार्य प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो योजनाएं गांव में लागू की जा रही हैं, जैसे कि आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री आवास, जिसमें सरकार के द्वारा सीधा संदेश दिया गया है कि गाँव में प्रधान का इस योजना को लागू करने में कोई योगदान नहीं है, और संबंधित लाभार्थी को सीधा सीधा उसके अकाउंट में वो पैसा डाइवर्ट भी किया जा रहा है, उसके बावजूद भी गांव के प्रधान पर अगर कहीं वो आवास नहीं बन पा रहा है, वो लाभार्थी अगर किसी दूसरे कारण से वो आवास नहीं बना पा रहा है, तो प्रधान के ऊपर सीधा सीधा उसका FIR कर उसे दंडित करने का काम किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। जब प्रधान को उस योजना से आप बिल्कुल अलग हटाने का काम कर रहे हैं तो उसमें आप जो FIR और जो उत्पीड़न का काम आप प्रधान के साथ कर रहे हैं ये बहुत गलत है। तो प्रधान ही करते हैं सर, इसका क्या कहेंगे? देखिए आपको मैंने जैसा सीधा सीधा बताया, अभी जो वर्तमान की सरकार है उन्होंने बड़ा बड़ा बैनर और बड़ा बड़ा ब्लॉक में मीटिंग करके ये सीधा संदेश दिया कि इसमें प्रधान का कोई रोल नहीं है, और सीधा लाभार्थी सीधा सीधा जो ब्लॉक के कर्मचारी हैं उनमें अपना जो रिक्वेस्ट है वो वहाँ दर्ज करा सकता है, उसके बाद उसको आवास दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी सीधा पैसा उसके लाभार्थी के अकाउंट में डाइवर्ट भी हो रहा है, उसके बाद भी प्रधान को उसमें उसका उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है, ये बहुत गलत है। खनन को लेकर क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं और उसके बाद भी ना टारगेट नहीं पूरे होने? जैसा कि स्वच्छता को लेकर भारत सरकार एक बहुत बड़ी मुहिम चला रही है शौचालय को लेकर, और जो उसमें सामग्री प्राप्त होना चाहिए और जो रेट
मार्केट रेट है उसके आधार पर उसको उसका भुगतान किया जाना चाहिए। अगर उसको वो सामग्री मार्केट रेट के आधार पर और एस्टिमेट रेट के आधार पर अगर नहीं मिलेगी तो ये जो बड़ा मुहिम है सरकार की स्वच्छता को लेकर, इसको प्रधान साथी कैसे पूरा कर पाएंगे? तो हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि उनको जो बालू है वो उनको उपलब्ध कराई जाए, और इसके लिए जो टेंडर प्रक्रिया है या और जो प्रक्रियाएँ हैं वो सरकार का काम है, उसको सरकार को करना चाहिए। और सरकार को समय रहते ये सब आदेश पारित कर जो उनकी जो मंशा है स्वच्छता को लेकर वो समय रहते पूरी हो, इसके लिए जो भी प्रधान साथियों को समस्याएं आ रही हैं उनको दूर करना चाहिए।